यवतमाल के राजूर कॉलोनी में गुरुवार को एक 45 वर्षीय मकान मालिक की किराए का मकान खाली करने को लेकर हुए विवाद के चलते हत्या कर दी गई। इसका खुलासा 16 जून की सुबह हुआ। आरोपी फरार है। पुलिस को जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। 40 वर्षीय राकेश केवट, यह हत्यारे किराएदार का नाम है। वह 45 वर्षीय मृतक राजू पोचम बोधपेलवार के घर पर किराए से रह रहा था। मकान मालिक ने कई महीनों से किराया नहीं देने पर कमरा खाली करने की मांग की थी। 15 जून को मकान मालिक राजू ने राकेश से किराया मांगा तो दोनों में कहासुनी हो गई। बात मारपीट में बदल गई। कुछ देर बाद विवाद शांत हुआ। उसके बाद मकान मालिक सो गया, लेकिन गुस्साए किराएदार के दिमाग में कुछ और ही साजिश शुरू थी। उसने हमेशा के लिए झगड़ा खत्म करने का फैसला किया। सुबह 4 बजे किराएदार राकेश ने गुस्से में आकर घर के बाहर रखे सिलबट्टे को सोए हुए मकान मालिक राजू के सिर पर मारा, जिससे उसकी जगह पर ही मौत हो गई। सुबह पड़ोसियों को इस बात की जानकारी हुई तो परिसर में कोहराम मच गया। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, लेकिन तब तक हत्यारा फरार हो गया। पता चला है कि डॉग स्क्वाड को बुलाया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।